हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग निकल चुके हैं एक और नए सफर की तरफ, क्योंकि सफर पे तो निकलना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा अब जिंदगी में। तो अब हम लोग जा रहे हैं इटावा, यूपी इटावा, मतलब क्योंकि वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे लोग मिलेंगे जानने वाले, और हल्का सा हम लोग का भी माइंड फ्रेश होगा जाके। तो जो जो मिलेगा, जितने भी लोग मिलेंगे और जो भी मतलब जैसा भी जो भी रहता है, सब कुछ आपको इस व्लॉग में कैप्चर करके दिखाएंगे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं अपनी बस में हम लोग, और पापा लोग निकल रहे हैं अभी, तो सब लोग निकल रहे हैं भाई। और एक चीज बस बस में मुझे खराब लगती है, कुछ चीज बस में ऐसा होता है बस कि इसके मुझे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, चार्जर पूरा केबल नहीं मिलता, यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है। तो भाई सही है जो भी है, बाकी हमारी ऑनलाइन की अलग अलग है, सिर्फ एक ही में मतलब कम्बाइंड वाली नहीं है, क्या कर सकते भाई। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अभी, मतलब इटावा यहाँ से अभी लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अभी मैंने गूगल मैप करके देखा था, यहाँ से अभी 80 किलोमीटर दूर है, मतलब अभी घंटा डेढ़ घंटा तो अभी भी लग जाएगा यहाँ से इटावा पहुँचने में हम लोग को आराम से। तो अभी हम लोग स्टॉप पे रुके हुए हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। एक तिथि रखा है, डेढ़ घंटे मान के चलो, डेढ़ घंटे तो सही तुम मान लो हो गए अपने, ये बज गए 3 बजे इटावा हम लोग पहुँच जाएंगे। रात के बज चुके हैं 3 बज चुके हैं रात के, और हम लोग आ चुके हैं इटावा। और हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है ये, मतलब ये अपने लखनऊ जैसा नहीं है, यहाँ पे 24 इंटू 7 यहाँ पे ओला वगैरह नहीं मिलती है। तो रात में तो अपने को ऑटो मिल गई, ये तो वो अच्छा हुआ भैया, बिल्कुल जैसे हम लोग के मतलब जैसे हम लोग बस से उतरे बिल्कुल सामने से मिल गई। किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी हम लोग की, तो किस्मत के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हम लोग, लेकिन जैसा कि मैं सोच के आया था कि जैसा होगा वैसा नहीं है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इटावा, हमारी अच्छी नींद हराम कर दी रात में 3:30 बजे। वैसे रात भर सोती नहीं है भाई, रात भर काम रहता है इनका, वैसे ये लोग रात भर नहीं सोते हैं। बाकी अंकल आंटी की नींद खराब हो गई होगी, वो बात अलग है। तो भाई देखो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग बना लूँगी रात रात में दफना अपना भी, कोई भरोसा नहीं, आतंकवादी लगते हैं सकते लोगों को, आज पता चल रहा है। हाँ तो भाई हम लोग पहुँच गए इटावा, इटावा में हम लोग अश्विनी दीदी के घर पे। तो आपने अगर कुछ रील्स देखे होंगे तो यही ये सब कुर्सी उर्सी पर छूट होती रील, ऐसी शादी पाड़ूंगा कोई दर्जी ना सिवे, और हाँ कोई फैन इनकी पेंटिंग तो बनाता नहीं होगा, खुद से निकलवा ली होगी है ना, झूठ बोलना कोई आपसे सीखे, तुम्हारी कसम बोलूं, तुम्हारी कसम। तो भाई अगर मैं इन फ्यूचर मर गया तो इनकी वजह से मरूंगा मैं। मैं सच बताऊं तो इससे मुझे डर स्टार्टिंग से नहीं लग रहा था, वो तो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर दिया था तुम्हारे भाई ने, बाकी तुम तो जानते हो ये देखो फोड़ा निकल आया यार, एक चेहरे पे फोड़ा निकल आया मेरे, तो क्या कर सकते हैं भाई। और ये मुझे इस समय ऐसे घूर रही है,
वंस मोर फिर से एक बार। चाय चाय देखो कितनी अच्छी बनाई है मैंने, चाय पी के एक बार तुम। तो ये आपने धुला कैसे? उससे धुला है मैंने। किससे? विम से। हाँ तो भाई ये पूछते हैं। बहुत मार गई थी, इतनी मत भेज दी थी। ये पूछते ये खुलता कैसे? इसको पूछते ये खुलता कैसे? वही मतलब वो ढक्कन ऑलरेडी खुला हुआ है, उसको सिर्फ ऐसे निकालना है उसमें से। खुला नहीं था वो, उसको मैंने घुमाया था तब खुला था। ठीक है, तो उसको क्या ऐसे पूरा घुमा के ही खुलाया जाता है? और भाई इन्होंने देखो रात के कितने बज रहे हैं यार, अभी कितने बज रहे हैं रात के? 4 बज गए। तो भाई देखो सुबह हो गई है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और ये अब चाय बना रहे हैं, और इन्होंने अभी ये धुला हुआ है अपने इन सुबह हाथों से, और इसको पैर भी मार दिया है बेचारी को पैर लग गया। भाई तो मुझे लग रहा है कि इतनी रात में भी अगर सुनना होगा, इसकी आवाज़ सुनना होगा कुत्ते, मतलब ये जो भी है लेजी, क्योंकि अगर कुत्ता वगैरह कुछ बोल दिया तो ये मुझे कुत्ता बना के मारेगी, इतना तो मुझे भी पता है। तो ऐसा कोई अगर सुनना होगा इसकी आवाज़ें और हम लोग का खट पट टक पट, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई है ही बहन है मेरी, वो सो रही है। और वो भी सोचेंगे कि कैसे कैसे लोग आ जाते रात में देखते। नहीं, आदत है उसको, आदत है, मेरी भी आदत है ना, तो वो उठती रहती है। तो भाई ये तो ये बहुत अच्छी दीदी है अपनी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बड़े बहुत बड़े सुपरस्टार से जो की मेरे घर पे आए हुए हैं, बहुत कहने के बाद आए हुए हैं, और इनके 1 मिलियन हुए हैं इंस्टाग्राम पे, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये भाई मुझे तो आप लोग जानते हो, इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये लाइन आपके लिए थी। हाँ, ये लाइन तो आपके लिए थी। तो भाई यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये हमारी अच्छी दीदी दिल की। हाँ, दिल से भी और वैसे भी बहुत अमीर है ये। अमीर सुंदर बोलो, सुंदर दिल से और वैसे भी बहुत है, मतलब दिल की भी अच्छी है, नेचर की भी अच्छी है। मैंने इनकी रात में 3:30 बजे नींद खराब की आके यहाँ पे, और यहाँ पे भी इन्होंने भी कैमरा ऑन कर दिया। तो मैं 50 रुपए कट जो बोला था वो तुमने बुलाऊ भी नहीं बोला, 50 रुपए तो मैं कट। क्यों यार? मेरी तारीफ करो ना, तारीफ करने को बोला था ना। अरे हाँ सॉरी। तो भाई मुझे 150 रुपए मिले इनकी तारीफ करने के लिए, तो 150 रुपए की तारीफ बस इतनी होगी आपकी। 150 रुपए में इतनी तारीफ होती भाई। तो भाई आ चुका है, अब जाके मुझे घर जैसा खाना मिला, क्योंकि पनीर की सब्जी जब तक नहीं मिलती तब तक घर जैसा खाना लगता ही नहीं है। ये पनीर की सब्जी आ चुकी है, पूरी आ चुकी है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे खाना खाते नहीं मन है, देख सकते हो फोड़ा निकल आया है उन्हें, ना बोलते बनना है, खाना खाते बनना है। खाने का टेस्ट बहुत बहुत प्यारा, खाने का टेस्ट क्या करते हो यार, उसको डराते हो आप बार बार, लात लग गया उसके। तो भाई बीच में आ जाती है ना, गुस्सा आता है फिर। तो ये भी लिया अपना खाना, हम लोग भी खा रहे हैं, और खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कल पता नहीं अच्छा, मैंने बोला था पहले ही बोला था तुमको, तेरी दीदी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। बस मुझे कल से बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिल रही, बस कल रात को एक चाय गलत मिल गई थी। कितना बदतमीज है, कल तारीफ कर रहा था मेरी और आज बुराई कर रहा है। तो जितने बड़े तुम्हारे नखरे हैं उतने खर्चे हैं, तुम्हारे खर्चे से महंगी हमारी चंडी है। दिखाने के लिए भाई आप देख सकते हो, ये लोग कितना ज्यादा मेकअप करके जाते हैं घर से, मतलब 2 कदम की दूरी पे भी जाना रहता है तो भी इतना मेकअप कर। ए भाई इसको बंद करा करो, कॉपीराइट आ जाएगा, इतनी मेहनत करते हो तुम, गाना बजा देते हो। मैं कोई यूज नहीं कर रही, ये है मेरी मॉइस्चराइजर क्रीम, ये है मेरे सनस्क्रीन, और ये है लिपस्टिक, और ये है काजल, बस इतना यूज करती हूं मैं, काजल इतना। भाई हम लड़कों को एक क्रीम मिल जाए ना, तो तुम लड़के हो यार, हम लड़कियां हैं, हम लड़कों को इसमें से एक क्रीम मिल जाए तो हम लोग सोचते हैं आज नहीं यूज करते, जब कहीं बाहर जाएंगे तब लगाने के काम आएगी किसी के सामने। अरे सनस्क्रीन तो जरूरी है ना, काली हो जाऊंगी फिर, है ना, गाड़ी में भी काले होते हैं। तो सी भी धूप लगती है तो इतनी सेंसिटिव स्किन होती है मेरी, मेरी नहीं सारी लड़की। हाँ तो आपके बाथरूम में तो जाते हो ना, तो सावर से तो इतनी वाइट वाइट हो जाते हो आप, वो क्या करो। तो वो और लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं तो वैसे गोरी, मैं
सुंदर तो है खुशी 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 देखो वो एक मैंने अभी रोस्ट निकाला था ना जिस लड़की ने बोला था मैं पैदा ही सुंदर हुई थी वैसे ये भी बोलनी मैं सुंदर हूँ मैं पैदा ही सुंदर हुई थी मैंने ये तो नहीं बोला इतना एटीट्यूड नहीं करते दीदी आपके जैसी जगह मैं पहले सुंदर रही थी अब सुंदर हो चुकी हूँ मैं इनके जैसी लड़की होते तो क्लास में होमवर्क करवा लेते हैं भगवान भी एक ही बार बना के शर्मा गया कि भाई अब ऐसा दोबारा पीसी नहीं निकालना मुझे बनाने के बाद भगवान ने सांचा ही तोड़ दिया वो कि भाई ऐसा पीसी नहीं बनाना कि मुझे खुद के ऊपर शर्मिंदा होना पड़ेगी किया क्या बना दिया ये मैंने देखो जब इंसान की बेइज्जती होने लगती ना वो ऐसी भक्त तक बोलता रहता है भाई अभी हम लोग जा रहे हैं निकल रहे हैं यहाँ से इनको छोड़ के जा रहे हैं तो भाई हम लोग निकलते हैं यहाँ से और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं तो सस्पेंस है भाई बहुत गहरा था तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना।